निकाल लूँगी पोहा और उसमें जो मूंगफली है मैं अपने हस्बैंड वाले पोहे में मिला दूंगी मूंगफली, यहाँ पे मैं अपने लिए निकाल ली हूँ। पहुँच गए हैं और हम लोग अभी वेट कर रहे हैं डॉक्टर का, डॉक्टर आ गए हैं। बट मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग मैं सुबह के 6:30 बजे से शुरू कर रही हूँ एंड मैंने इतने सारे ब्लॉग्स डाले हैं बट ये फर्स्ट ब्लॉग है जो कि मैं इतनी मॉर्निंग में बना रही हूँ, क्योंकि क्या है, क्या सुभ्यांशी का वैक्सीन है और मतलब इसी की वजह से ना वैक्सीन है और मैं बहुत जल्दी उठी हूँ आज, मेरे लिए बहुत जल्दी है क्योंकि लेट हो जाता था डेली 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 लेट, तो मतलब 2-4 दिन से ऐसे उसका मतलब पोस्टपोन होता जा रहा था, नहीं कल लगवा लेंगे कल लगवा लेंगे, तो आज मैंने बोला कि नहीं आज फाइनल लगवाना है तो लगवाना है। और मुझे मार्केट में एक दो काम भी है, देखते हैं वो होता है तो फिर वो भी करके आएंगे उधर ही से। और एक प्रॉब्लम और भी है, मेरे हस्बैंड का कभी भी कॉल आ सकता है ऑफिस से जाने के लिए, तो अगर नहीं गए हमारे साथ तो हम मुझे कैब से ही जाना पड़ेगा एंड मतलब देखते हैं। तो इसके लिए मैं सुबह में उठ के अपना सारा काम ख़त्म कर लूँगी तो फिर मुझे कोई काम ही नहीं रहेगा, तो सुबह से उठेगी तो मतलब सब इजीली हो जाएगा, तो इसके लिए मैं बहुत जल्दी आज उठी हूँ। मैं जा रही हूँ नहाने एंड नहा के आऊँगी तो ब्रेकफास्ट बनाऊँगी और आज मैं ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हूँ आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मुझे कोई आइडिया भी नहीं कि मैं क्या बनाऊँ, मैगी बनाऊँगी नहीं क्योंकि मैगी कल ही खाया था मैंने, और कोई मतलब इंस्टेंट रेसिपी ही बनाना है जो जल्दी बन जाए, वरना और कुछ बनाने लगी ना तो पता चले कि ब्रेकफास्ट बनाने में ही टाइम निकल जा। और मतलब ना हम लोगों के लिए ना इतना मतलब डिफ़िकल्ट होता है ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर डिसाइड करना, बनाना नहीं डिफ़िकल्ट होता उतना डिसाइड करना होता है, मेरे लिए तो होता है बाकियों का पता नहीं बट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब यही सोचने लगती हूँ क्या बनाऊँ इसी में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, तो अभी जा रही हूँ नहाने और फिर आऊँगी तो ब्रेकफास्ट बनाऊँगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, पता नहीं क्या बनाऊँगी, अब देखते हैं क्या बना रही हूँ। सो गाइज, नाउ आई एम गोइंग टू टेकिंग सावर, आफ्टर सावर आई विल मीट यू। तो यहाँ पर मैंने लिया है करी पत्ता, राई, मिर्ची, टमाटर, प्याज, आलू और थोड़ा सा मूँगफली। मूँगफली मैंने थोड़ा सा इसके लिया है बिकॉज मैं मूँगफली खाती नहीं तो मेरे हस्बैंड खाते हैं, तो मैं उनके पोहे में मिलाऊंगी। तो हम सबसे पहले हम इसको फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे फ्राई हो गया आप देख सकते हैं उसको, और यहाँ पे मैंने मिर्ची डाल दिया तो आप देख सकते हैं मिर्ची, करी पत्ता मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद मैं पोहे को बनाने का एक बहुत ही अच्छा मतलब आपको सीक्रेट बताती हूँ जिससे पोहे और भी ज़्यादा अच्छा बनता है। मुझे प्याज डाल के उसके बाद मैंने थोड़ी देर फ्राई किया एंड मैंने बहुत कमी ही है सीक्रेट, जो पोहा बहुत ही ज़्यादा इसलिए उसमें मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है। मैं शुगर हमेशा ऐड करती हूँ पोहे में एंड यहाँ पे हल्दी डाल के, और मैं हमेशा मसाले वाला पोहा बनाती हूँ, कभी मतलब ऐसे बनाती भी हूँ ज़्यादा। फिर मैं इसमें पोटैटो डाल दूँगी, पोटैटो इसके लिए बिकॉज मतलब ये पकेगा नहीं बाद में डालेंगे, तो इसके लिए प्याज के साथ ही पोटैटो पकाएंगे पहले। एंड यहाँ पे मैंने दूध भी गर्म कर दिया बिकॉज बीच में ही दूध वाला आ गया था, तो मैंने सोचा दूध भी गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा मैंने साल्टी ऐड किया है तो इसे जल्दी पकते हैं, और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी टोमेटो। टोमेटो मुझे पोहे में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, सब लोग टोमेटो यूज़ नहीं करते बट बहुत कमी लोग मतलब सब लोग टोमेटो यूज़ नहीं करते बट करते हैं लोग। उसके बाद मैं थोड़े से इसमें मसाले डालती हूँ, जो घर के मसाले होते हैं वही नॉर्मल मसाले डालती हूँ मैं, तो यहाँ पे धनिया, जीरा थोड़ा थोड़ा बस डालती हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। शुगर डाल दूँ, राई डाल दूँ, बहुत ही ज़्यादा मतलब अलग टेस्ट आ जाता है, इसके लिए मैं ऐसे बनाती हूँ। एंड अब इसमें मेरा जब मिल्क मतलब दूध भी गर्म हो रहा है, और आज का वेदर आप देख सकते हैं, वेदर देखिए इतना अच्छा हुआ है ना, वाह मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है। अब बाद में आगे देखते हैं कैसा होता है, तो यहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छा व्यू आता है किचन से। अब इसके बाद इसमें पोहे मिला देंगे, मैंने पोहे पहले से भिगो के रख दिए थे और देखिए कितने अलग अलग पोहे हुए हैं। पहले से पोहे भिगो देने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है पोहा, मतलब अलग अलग हो जाते हैं ना, बहुत ऐसे होते जो एक ही में चिपक जाते वो पोहा अच्छा नहीं लगता,
तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको अच्छे से मिला दूँगी एंड उसके बाद देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया हुआ है। और उसके बाद मैं अपने लिए अलग निकाल लूँगी पोहा और उसमें जो मूँगफली है मैं अपने हस्बैंड वाले पोहे में मिला दूँगी मूँगफली। यहाँ पे मैं अपने लिए निकाल ली हूँ, अब मैं मिलाऊँगी अपने हस्बैंड वाले पोहे में मूँगफली। तो आप देख सकते हैं मैंने मूँगफली मिला दिया और ये मैंने अपने लिए निकाल लिया है। सो गई, जब मैं पोहा ही बना रही थी तब तक सुभ्यांशी बीच में ही उठ गई, तो मुझे इसको लेने आना पड़ा। फिर मैं जाके पोहा बनाई और अब हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट करने और उसके बाद सुभ्यांशी की मालिश होगी, फिर सुभ्यांशी नहाएगी, उसके बाद हम लोग जाएंगे सुभ्यांशी को वैक्सीन दिलाने। और आज सुभ्यांशी रोएगी, आज तो तुमको रोना है सुभ्यांशी, बहुत ज़्यादा हंस रही है ना, अभी जाने के बाद बहुत ज़्यादा रोने वाली है। तो फिर चलते हैं ब्रेकफास्ट करने क्योंकि टाइम नहीं है। मैं बहुत मतलब मॉर्निंग से, हाँ मैं सुबह सुबह ही उठी हूँ और टाइम का पता भी नहीं चला और बज गए हैं 9। तो चलते हैं पहले ब्रेकफास्ट करने। तो अभी सुभ्यांशी जा रही है ब्रश करने, जाओ सुभ्यांशी ब्रश करके आओ, जाओ जाओ। तो सब लोग दो टाइम ब्रश करते हैं, सुभ्यांशी पूरे दिन ब्रश करती रहती है, पूरे दिन ब्रश करती है ये। जाओ जाओ ब्रश करके आओ, हाँ जाओ। सुभ्यांशी वैक्सीन, तो फिर हम लोग रेडी हो गए हैं और बहुत ज्यादा लेट हो गया, तो फिर जाते हैं जल्दी से और फिर मिलते हैं क्लिनिक। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं और हम लोग अभी वेट कर रहे हैं डॉक्टर का। डॉक्टर आ गए हैं बट बहुत ही ज्यादा पेशेंट है तो टाइम लगने वाला है, हमने अपॉइंटमेंट ले लिया। वैक्सीन दिलवा के एंड द क्लिनिक सी वॉज वेरी क्राइंग, बहुत ही ज़्यादा रो रही थी आज ये। डॉक्टर भी परेशान थी, इतना ज़्यादा रो रही है, इतना ज़्यादा मतलब वहाँ का तो मैं शॉर्ट्स नहीं ले पाई बट थोड़ा सा है, मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूँगी। तो फाइनली एक काम तो हुआ क्योंकि बहुत दिन से सोच रहे थे आज जाएंगे कल जाएंगे बट तो अब दिसंबर में लगेगा इसको वैक्सीन फिर से। अब बहुत दिन बाद रोना है, क्यों रो रही थी तुम? हाँ दादा, हाँ डॉक्टर को मालूम है। सो गाइस, बहुत से लोगों ने पूछा है आप कहाँ रहते हो, आपकी फैमिली कहाँ रहती है, तो आपका नाम क्या है, आप अपना इंट्रो दो। तो फिर मैं कोशिश करूंगी कि अगला वीडियो आप लोग के क्वेश्चन का आंसर ही हो, बट कोशिश करूंगी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने का। और रहे, और बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि आप स्टडी क्या किए हो एंड आप इंस्टा पे रील क्यों नहीं बनाते हो, इंस्टा पे भी रील बनाया करो। तो आप लोग के कहने पे मैं थोड़ा बहुत इंस्टा पे रील बना रही हूँ, मुझे इंस्टा का उतना शौक नहीं है बट मैं इंस्टा पे भी रील बना रही हूँ एंड जो इंस्टा आईडी है मैं बहुत जल्द अपने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में ऐड करने वाली हूँ, फेसबुक पेज एंड इंस्टा बहुत जल्द मैं यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में ऐड करने वाली हूँ दोनों के लिंक। तो फिर आप लोग इंस्टा पे भी मुझे फॉलो करिएगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो।
लूँगी पोहा और उसमें जो मूँगफली है मैं अपने हस्बैंड वाले पोहे में मिला दूँगी मूँगफली। यहाँ पे मैं अपने लिए निकाल ली हूँ, अब मैं मिलाऊँगी अपने हस्बैंड वाले पोहे में मूँगफली। तो आप देख सकते हैं मैंने मूँगफली मिला दिया और ये मैंने अपने लिए निकाल लिया है। तो गाइस फाइनली वी आर गोइंग टू सुभैंसी वैक्सीन, तो फिर हम लोग रेडी हो गए हैं और बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो फिर जाते हैं जल्दी से और फिर मिलते हैं क्लिनिक। पहुंच गए हैं और हम लोग अभी वेट कर रहे हैं डॉक्टर का। डॉक्टर आ गए हैं बट बहुत ही ज़्यादा पेशेंट है तो टाइम लगने वाला है। हमने अपॉइंटमेंट ले लिया।